लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आसान बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है और यह जरूरी है, इसेंशियल है। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर दिया। उन्होंने प्लांट्स को तीन भागों में डिवाइड किया। बड़े जो प्लांट हैं उन्हें ट्रीज कहा गया, उनसे छोटे जो प्लांट जो झाड़ियां हैं उन्हें श्रब कहा गया, और एकदम जो छोटे प्लांट हैं उन्हें हर्ब कहा गया। तो एरिस्टोटल ने ट्रीज, श्रब एंड हर्ब में प्लांट्स को क्लासिफाई किया उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो ग्रुप एनाइमा एंड इनाइमा के अंदर डिवाइड किया। एनाइमा इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जिनका ब्लड कलरलेस होता है, जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, जबकि जो इनाइमा ग्रुप है ये वर्टिब्रेट एनिमल्स का ग्रुप है जिनके अंदर ब्लड कलरफुल होता है एंड ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती है। इसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने सेल वॉल की प्रेजेंस के बेसिस पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में क्लासिफाई किया। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा, एंड उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांटी एंड एनिमेलिया में डिवाइड किया। उनके क्लासिफिकेशन का बेस था सेल वॉल की प्रेजेंस। तो उन्होंने उन सभी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है उनको किंगडम प्लांटी में रखा, एंड वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती उन्हें किंगडम एनिमेलिया में रखा। लेकिन ये उनका क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से सही नहीं था, क्योंकि कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ही ग्रुप में डिवाइड किया। तो यही कारण है कि जैसे कि बैक्टीरिया है या जो फंगाय है उनको भी लीनियस ने किंगडम प्लांटी के अंदर रखा, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। 1969 में रॉबर्ट विटेकर, आरएच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया। उनके जो किंगडम्स के जो नेम हैं वो हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाय, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उन्होंने प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में क्लासिफाई किया, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, फंगाई के अंदर उन्होंने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हिट्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई किया, यानी कि फंगाई को क्लासिफाई किया। किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट एंड प्लांट्स को क्लासिफाई किया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर उन्होंने मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो इस तरीके से फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ट सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए। जो रॉबर्ट विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया उसके चार बेसिस थे। फर्स्ट बेस है सेलुलर स्ट्रक्चर, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर वो यूकैरियोटिक है। सेकंड, नंबर ऑफ सेल्स, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो न्यूट्रिशन का जो मोड है वो कैसा है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं या वो हिट्रोट्रॉफिक हैं, अगर वो हिट्रोट्रॉफिक हैं तो कैसे हैं, वो पैरासिटिक हैं या सेप्रोट्रॉफिक हैं। तो ये जो है क्लासिफिकेशन का बेस था। एंड नेक्स्ट है फाइलोजेनी, व्हाट इज द मीन ऑफ फाइलोजेनी, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करना, इसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन की हिस्ट्री को स्टडी करके उनमें सिमिलरिटीज को पता लगाकर क्लासिफिकेशन किया गया, और ये भी एक बेस है आरएच विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम का। थ्री डोमेन थ्योरी, थ्री डोमेन थ्योरी रॉबर्ट विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद में दी गई। थ्री डोमेन थ्योरी कार्ल वूज के द्वारा दी गई, और इनका जो बेस था वो सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए है,
जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो आर आरएनए का जो सीक्वेंस है उनके बेसिस पर या उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर कार्ल वूज ने 3 डोमेन दिए। इस 3 डोमेन थ्योरी के अंदर 3 डोमेन दिए गए, आर्काया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। इन 3 डोमेन के अंडर टोटल 6 किंगडम दिए गए। 3 डोमेन थ्योरी में आर्काय बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम में रखा गया। तो आर्काया डोमेन के अंदर आर्काय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डोमेन के अंदर मोनेरा एंड यूकेरिया डोमेन के अंदर 4 किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाय, प्लांटी एंड एनिमेलिया को रखा गया। तो इस तरीके से 3 डोमेन थ्योरी में टोटल 3 डोमेन एंड टोटल 6 किंगडम दिए गए एंड बताए गए।